ओके बस यहाँ देख सकते हैं अजान जानू की गंज हो रही है। अजान जानू यहाँ पास खड़े हुए हैं। अजान अजान चलें जी दिखाते हैं मैंने यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें ली हैं क्या नहीं, और जैसे जैसे मैं चीज़ें लेती जाऊँगी दिखाती जाऊँगी कराची चल के मैंने क्या कुछ यहाँ से लिया क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यहाँ पर बन रहे हैं आप ही के किचन में क्या ये बैगन जुबेदा ज़ारा बोल रही हैं काले मुँह वाले। चलें जी इसको आप ये ना वहाँ पर चूल्हे पर फ्राई सेक रही हैं, वो भी दिखाते हैं चल के। यहाँ पर इस तरह आप ही इनको ना सेक कर दे रही हैं, और ये देखें इस तरह ये हो रहे हैं स्टीम बैगनों को। दूसरे चूल्हे पर भी रखे हुए हैं, इस चूल्हे पर भी रखा हुआ है। और ज़रा फरमाइश की थी आज हमने ये बैगन का भरता खाना है, तो चलिए यहाँ पर ये बैगन का भरता बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये बैठ के अजहर इसमें कूट रहे हैं, अजहर कह रहे हैं आज देखना कितना मज़ेदार सा खाना बनेगा। और ये भी दिखाएं और वो भी दिखाएं, और ज़ारा कह रही है ये भी दिखाएं वो भी दिखाएं। यहाँ पर सुबह बैठ के प्याज कट कर रही हैं, ज़ारा बैठ के यहाँ पर ये बैगन छिल रही हैं। और अभी ज़ारा ने ये फरमाइश की है कि मामी हम वो वाली चटनी भी बनाते हैं। कौन सी वाली ज़ारा? टमाटर और लहसुन मिर्च वाली। तो चलें जी टमाटर लहसुन मिर्च की हम चटनी बनाते हैं। और साथ में ये देखें अजान जान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भरता भरता वहाँ रखा हुआ है, ये इस तरह इन्होंने कूटा है। यमी यमी अजहर को, अजहर को अभी से यमी यमी लग रहा है। ओके अजहर इस तरह करके अजहर इनका ये पेस्ट बना रहे हैं। कल जलाल भाई और मेरी ये बैठ लगी थी कि कौन सी कढ़ाई बोली थी चिट्टी कढ़ाई, लेकिन यहाँ पर बन रहे आज काले मुँह वाले। यही डील हुई थी ना वाइट कढ़ाई की, लेकिन आज बन रहे बैगन का भरता। ये भी अजहर की फरमाइश पर आज खाना बन रहा है देसी स्टाइल में। ओके बस यहाँ देख सकते हैं अजान जानू की गंज हो रही है। अजान जानू यहाँ पास खड़े हुए हैं। अजान अजान चलें जी दिखाते हैं मैंने यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें ली हैं क्या नहीं, और जैसे जैसे मैं चीज़ें लेती जाऊँगी दिखाती जाऊँगी कराची चल के मैंने क्या कुछ यहाँ से लिया क्या नहीं। ओके बस यहाँ पर जैसे मम्मी जो डिज़ाइनिंग वगैरह करती हैं कराची में, जो गिंदों वगैरह बनाती हैं दूसरी उसमें कुशन कवर में, तो इसके लिए मम्मी को वहाँ पर कराची में धागे अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये धागे वगैरह लिए हैं। ये मल्टी शेड में है जो मम्मी को चाहिए थे। दूसरे मैंने ये वाइट कलर में भी मम्मी ने बोले थे मैंने वाइट कलर में भी ले लिया, मल्टी शेड में बोले थे मैंने मल्टी शेड में भी ले लिया। और यहाँ पर ये गए थे जलाल भाई आप ही वाला जो जुबेदा की शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो वहाँ पर ये पापड़ इनको बहुत अच्छे और सही रेट में मिल गए, तो आपके घर के लिए भी लेके आए थे। उन्होंने कहा शॉप भी ले जाए अपने घर के लिए, तो मैंने ये अपने पापड़ भी लेके रखा। इस तरह मैं अपनी चीज़ें वगैरह जमा कर रही हूँ रांची जाने की, बस हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। ओके बस यहाँ पर अजान जानू खड़े हुए, इनकी ना इनको गंजा कर दिया गया है, सब कह रहे थे इनको गंजा करो, इनके बाल बहुत ही लाइट थे, इसलिए मैंने अजान जानू को यहाँ पर गंजा कर दिया है। और लाइट आ चुकी है, ये मेरा खूबसूरत सा बेटा छोटा डोन यहाँ पर खड़ा हुआ है, और लाइट आ गई नीचे लिए घर पर तो कंप्यूटर ऑन करती हूँ, यहाँ पर मैं LCD ऑन करके बच्चों को कार्टून वगैरह लगा के दे रही हूँ। ओके वैसे भी मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पर सब बच्चों ने फरमाइश की है मामी के हाथ के अचारी मिर्ची जो बनती है वो मिर्ची बनाओ, तो चले जी मैं इनको यहाँ मिर्ची बना के देने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पर आई थी मोहम्मद के होने से पहले, तो जब भी मैंने ये मिर्च वगैरह बना के दी थी तो सबको बहुत पसंद आई थी। जुबेदा ने मुझसे 2-3 बार कॉल करके पूछा मामी आपने कैसे बनाई कैसे बनाई, तो इस बार ऐसी जुबेदा वो मुझसे फिर भी नहीं बनी जो मेरे हाथ का जाएगा। तो इस बार आपने मुझे बोला है कि जाने से पहले मुझे बहुत सारी मिर्चें बना के दे के जाना, क्योंकि आपके जाने के बाद सारे ये बोलते हैं मामी आयशा के हाथ की मिर्चें खानी है, मामी आयशा के हाथ की मिर्चें खानी। तो चलें जी मैं सारे मसाले वगैरह निकालने वाली हूँ, जुबेदा के हाथ से डलवाऊंगी ताकि जुबेदा को आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ मैं कितने हिसाब का लेती हूँ। तो चलें जी यहाँ पर मैं जुबेदा के हाथ से सारे मसाले लूँ ताकि जुबेदा को आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ मैंने कितनी ली थी। तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर ली हुई है जीरा लिया हुआ है, और हसबे जायका नमक लेंगे हम 2 चम्मच, हम साबुत धनिया ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून, हमने ये जीरा लिया हुआ है 1 टेबल स्पून में जीरा लिया हुआ है, और 1/2 टीस्पून नमक लिया हमने, और 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ये कड़ी कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ। ओके बस मैंने यहाँ पर सारे स्पाइसेस निकाली हैं, इनको सबको हाफ कूटा जाएगा, मतलब ये यहाँ पर बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं दर हम तो दर बोलते हैं कूटा हुआ। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने ये पिसा साबुत धनिया लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सौंफ, और 1 टेबल स्पून ये कलौंजी लिए, 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया हुआ है, 1/2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हमने ये हल्दी ली है, 1/2 टेबल स्पून हम लाल मिर्च लेंगे, और 1/2 टीस्पून हम लेंगे कुटी मिर्च, और 2 से 3 चम्मच हम इसमें लेंगे सुरका। पहले मैं सब मसालों को ये दरा दरा सा कूट लूँगी, और मिर्च को कट करके मिर्च भर लेंगे हम।
चला जी, हम ये सारा मसाले के इस तरह कूटने लगे। सारा मुझे मसाला कूट के दे रही है। जब तक मैं मिर्चें वॉश करके मिर्चों को अंदर से उच्ची कट करके ये सारा मसाला इसमें हम भर लेंगे सुलका डाल के। चलें जी, सारा यहाँ पर बैठ के अचारी मसाले का मिर्च का मसाला कूट रही हूँ। उसकी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये मसाला कूट लेंगे इसका अचार का, फिर इसके बाद ज़्यादा और हम बनाएंगे कौन सी दूसरी चटनी, टमाटर और लहसुन मिर्च वाली चटनी। ओके, बस जिस तरह का मुझे मसाला चाहिए तो वो मसाला हो चुका है रेडी। अब मैं सारा मसाला और इसमें सुरका तीनों चीज़ें सब मिला के और मैं इसका बनाने वाली हूँ पेस्ट। फिर इस तरह मिर्चों में मैं फ्राई करूँगी। चप्पल आ रहे मेरे क्या हैं तो हटाओ, बंद करो उसको। ओके, बस जिस तरह का हमें मसाला चाहिए जैसे हमने मसाला कूट के दर दरा सा, और इसके अंदर मैं ना सुरका ऐड करके मिर्चों में हम मसाला भरने वाले हैं। किचन में आयशा और जली रोटियाँ बना रही हैं क्योंकि यहाँ पर गैस का बहुत इशू है, गैस जली चली जाती है। और जुबैदा वहाँ पर भुर्ता फ्राई कर रही हैं। और चलें जी, यहाँ पर शीनाज आंटी ने जुबैदा की सांस है, अक्सा उन्होंने जुबैदा के लिए इस तरह पकौड़े फ्राई करके भेजे हैं। अक्सा ने बनाए। तो चलें जी, अक्सा के हाथ के पकौड़े ट्राई करते हैं। चलें जी, इससे हमने सारे मिर्चों में मसाला भर दिया, कुछ बच्चा ऊपर इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, चलते हैं यहाँ पर। ज़ारा चटनी बना रही थी। ज़ारा को वजन ने बोला आप छोड़ो, मैं यहाँ पर चटनी बना रहा था, यहाँ पर ये चटनी बन रही है। आज ये लोग बोलने बिल्कुल देसी स्टाइल का खाना खाना है इन्होंने। पहले टमाटर वाली मिर्ची चटनी बनी थी, टमाटर वाली चटनी हो चुकी है कैंसिल। यहाँ पर दही वाली चटनी बन रही है। दही, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और नमक, इसकी चटनी बन रही है। और साथ में यहाँ देखें अजान जानू बैठे हैं। ओके, बस यहाँ पर घी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मिर्च ऐड कर रहे हैं। सारे जो मिर्च में फटाफट से ऐड कर देती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर ये मिर्च मैंने इस तरह सारी इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ रह गई हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। असर कुछ रहा, भरता बन गया। गैस ऑफ है, गैस ऑन करना। चलिए जी, हमें भर जाता है ये। अच्छा, मिर्च बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। चलिए, जो भी बचा हुआ मसाला था वो मैंने इसमें सारा इसमें ऐड कर दिया है। और मसाले इसकी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब वेट कर रहे हैं आज मामी के हाथ के हम मिर्चें फ्राई खाएंगे। कराची की मशहूर मिर्चें, खास मेमनी, ये हम मेमनों की अचारी मिर्चें हैं, बहुत मशहूर होती हैं। मम्मी घर में बनती है, मैं भी अपने घर में बनाती रहती हूँ। इससे पहले मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ लेकिन आज फिर मैं दे रही हूँ क्योंकि इन लोगों को सबको सबने ये बोला था कि मामी हमें ये अचारी मिर्चें बना के दे, अचारी मिर्चें बना के। इसलिए मैं आज फिर से बना रही हूँ मिर्चें। और शिनाज अपने तो मुझे खास बोला कि आयशा जाने से पहले मुझे ढेर सारी मिर्ची वाली बना के देना ताकि हम डब्बा भर के स्टोर कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको ढकने वाली हूँ। मिर्चें बन गई मसाले वाले, हरी मिर्च मेरी मम्मी ने भी बनाई थी। ओके गाइस, इस तरह हमारी ये मिर्ची फ्राई रेडी हो चुकी है। ज़्यादा जो चटनी बनाई है चटनी भी रेडी है और यहाँ पर भरता भी रेडी हो चुका है। और ये पकौड़े जो आए थे शीनाज आंटी के घर से ये भी रेडी है। मोहम्मद के लिए अंडा बनाया हुआ। तो चलिए जी, इस तरह हम लोग चल पाए बैठ के इस तरह खाना खाया। आयशा रोटी लेके आ रही है गर्म गर्म। ओके गाइस, आज का हमारा देसी खाना तैयार हो चुका है गाँव के देसी स्टाइल में। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो चलें जी, आज का दिन भी कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला। और बैठे बैठे हमारा खाना रेडी हो चुका है। चलें जी, सब आके बैठे हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। ओके बस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं। ज़्यादा जुबैदा आना हम चारों जन यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं। उनका चलो यहाँ लूडो एंजॉय करते हैं और साथ में यहाँ मैच भी देखते जा रहे हैं हम। वैसे तो डेली में दोपहर में हम लोग सो जाते हैं लेकिन आज हमने कहा आज का दिन मैच के गेम के नाम और यहाँ पर ज़्यादा भी बेमानी कर रही है। मेरे सलमान ने भी ये सब बोल रहे नहीं, ज़्यादा बेमानी कर रही है।